टाइटैनिक फिल्म देखने के बाद एक शिपिंग कंपनी के मालिक की बेटी ने एक गाड़ी पोंछने वाले लड़के के साथ शादी कर ली। वाह क्रिश, तुम्हें याद है ना, हर दिवाली में तुम मुझे कोई ना कोई नई फिल्म दिखाते हो। हाँ, क्योंकि राधु हर दिवाली में बिग बजट फिल्में रिलीज होती हैं। तो बताओ इस दिवाली में कौन सी नई फिल्म दिखाओगे? चलो टाइटैनिक देखने चलते हैं। टाइटैनिक? वो तो लव स्टोरी है, हर्ष को देखनी चाहिए। अरे हम भी देखेंगे राधु, हमारे पुराने लव की याद ताजा हो जाएगी। तुम जानती हो टाइटैनिक फिल्म ने लोगों पर बहुत ही असर किया है। परसों ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि 80 साल के बूढ़े ने टाइटैनिक फिल्म देखी, बाद में उसने एक 70 साल की बुढ़िया को पटाया और उसके साथ शादी कर ली। सो क्यूट ना राधु? वेरी क्यूट। लेकिन हर्ष ने ये फिल्म देखी तो हर्ष का क्या होगा? उसका क्या होगा, हफ्ते में एक लड़की को पटाता है, उसकी जगह रोज एक लड़की पटाएगा। लेकिन फर्ज करो कृषा, अगर उसने किसी अमीर लड़की की जगह किसी गरीब लड़की से शादी कर ली तो? अरे तो क्या हुआ राधु, प्यार तो आखिर प्यार होता है और मैं हमेशा से ऐसे प्यार का समर्थक रहा हूँ। अच्छा? हाँ, कोई भी ऐसे प्यार की शिप को डुबाने की कोशिश करेगा तो ये कैप्टन के उसे बचा लेगा। अरे डरो मत, मैं हूँ ना। डरते क्यों? हाय मॉम, हाय डैड। हाय मॉम डैड, ये है डॉर्सन और ये है रोज। इसीलिए मैंने अपना नाम दत्ताराम पांडे से चेंज करके दर्शन रख लिया है। और मैंने रुक्मिणी से रोज। ओहो राधु, ये तो सोनी महवाल और हीर रांझा से भी हिट जोड़ी है। Yes, that. बट अनफॉर्चुनेटली इनकी लव स्टोरी टाइटैनिक फिल्म की तरह डूबने के खतरे में। वो क्यों? As usual, मॉम, इन दोनों के माँ बाप इन दोनों की शादी के खिलाफ हैं। Don't worry, जब तक ये कैप्टन के जिंदा है तुम दोनों को शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है डैड? अरे कोई क्यों रोकेगा पगले। बात यह है कि अभी मुझे 18 साल पूरा करने में 7 दिन बाकी है। आइडिया, दत्ताराम और रुक्मिणी को 7 दिन के लिए कहीं छुपा दो। कहीं क्यों, इसी घर में छुपा लेते ना। वैसे भी चाचू अपने कमरे में अकेले, तो इन्हें उनके कमरे में डाल देते। नहीं, इन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। नो प्रॉब्लम, डॉर्सन तुम चाचू के कमरे में, रोज तुम मेरे कमरे में। ए? क्या? मेरा मतलब है मॉम के कमरे में। ओके मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ तुम्हारे डैड को नीचे हॉल में सोना पड़ेगा। तो ठीक है। क्या कमाल है, जब से रश्मि शूटिंग पे गई है इन लोगों ने मेरे कमरे को तो गेस्ट हाउस बना दिया। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़प। हाय चाचू। ओ हाय हर्षन। हर्षन नहीं चाचू, डॉर्सन। हाँ डॉर्सन। ए चाचू एक बात बताओ, मैं जो आपके साथ आपके रूम शेयर कर रहा हूँ इसमें आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तकलीफ तो हो रही है भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये क्या, ये तुमने मेरा टॉवल क्यों लिया? ओ आई एम सो सॉरी चाचू, आपसे पूछना भूल गया। जब आप पूछ रहे तो आपको एक और बात बताऊं, अंदर जो शॉर्ट पहने ना चाचू वो भी आप ही किए। वो घर से भाग के आया ना, इसी संभाल लाना भूल गया चाचू। अरे तू पहले बताना चाहिए ना। I'm sorry, ये सब तकलीफ दिया। It's okay. अच्छा देखो, जो भी कपड़े मेरे तुमने यूज किए हैं ना, वो सारे डेटॉल फिनाइल में धो के साफ करके मुझे वापस देना। Okay, okay. अरे चाचू, मैंने सुना आप जापान शपान से ट्रेनिंग लेके आए। Yes, शपान नहीं, जापान। ओह, जापानीज इंजीनियर। अरे वाह चाचू वाह, मतलब आपको जापानीज बोलने में कोई तकलीफ नहीं होती होगी? बिल्कुल नहीं। अरे वाह, मेरी जापानीज तो ऐसे तड़ 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 निकलती है, फ्लुएंट। देख बोल के देखा। हाँ एक बात बताओ, तुम्हारी रोज कहाँ है? रोज? अरे वो तो हर्ष के साथ आइसक्रीम खाने गई है चाचू। क्यों हर्ष के साथ क्यों? वो कह रहा चाचू मैं घर से भागा हुआ हूँ ना, तो मैं यूँ खुलेआम घर के बाहर घूम नहीं सकता इसलिए। देखो हर्षन, दर्शन दर्शन मेरी बात सुनो। तुम ये तुम्हारी रोज को रोज रोज हर्ष के साथ मत भेजो। क्यों चाचू? उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। किसका? हर्ष का। पता है हर्ष, इतना तुम्हें टाइटैनिक डूबने के बाद भी नहीं रोई थी। देखना दर्शन के साथ मेरी शादी कभी नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी? देखना रोज, इधर तुम 18 साल की हो गई और उधर तुम्हारा बाप भी ये शादी होने से नहीं रोक सकता। मेरे डैडी अंडरवर्ल्ड के डॉन के बेटे के साथ मेरी शादी कभी नहीं होने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? अरे आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए हाथ पकड़ा है, समझी? लेकिन तुमने छोड़ेगा ना? मैं कसम खा के कहता हूँ ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिलहाल तुम्हें नहीं लग रहा हम लोग यहाँ बोर हो रहे? एक काम करें,
तुम्हारे पैसे से ना कोई बढ़िया सी पिक्चर देखने चलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन कौन सी पिक्चर? गॉडज़िला। नहीं गॉडज़िला नहीं, प्यार तो होना ही था। था नहीं था। हाँ ठीक है चलो। प्यार तो। अब समझ में आया, ये रोज मुझे रोज रोज बनाकर क्या फूल खिला रही है, क्या गुल खिला रही है। मुझे पता चला है कि मेरी बेटी रोज यहीं पर है, बुलाइए उसे। एक मिनट, ये आपको किसने बताया? बताने की क्या जरूरत है, हम पुलिस वाले हैं, हमें सब पता है। राधु, अरे ये इतना लंबा चौड़ा वॉचमैन हमारे घर में क्या कर रहा है? शट अप, मैं वॉचमैन नहीं, पुलिस कमिश्नर पी के बंदूक वाला हूँ। हाँ, मेरी बेटी यहीं पे है, कहाँ है वो? हमें क्या पता? आपको सब पता है। देखिए मैं जानता हूँ कि रोज उस डॉसन लफंगे के साथ यहीं पर छुपी हुई है। आप बुलाते उसे या मैं तलाशी लूँ? देखो कमिश्नर, मैं काबिल एडवोकेट हूँ, तलाशी लेने से पहले सर्च वारंट दिखाइए, बाद में बात कीजिए। और वैसे भी वो दोनों शादी के बाद ही इस घर से विदा होंगे। अच्छा, तो रोज यहीं पर छुपी हुई है। आपसे जो हो सकता है वो कर लीजिए, उन दोनों की शादी होके रहेगी। मैं भी देखता हूँ कि ये शादी कैसे होती है, और अगर ये शादी हुई तो मैं अपनी मूछें मुंडवा दूंगा। अरे जाओ जाओ कमिश्नर, मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे नहीं होती, अगर शादी नहीं हुई तो मैं भी अपनी मूछें मुंडवा दूंगा। अरे नहीं है ना, उगा लेंगे। पहले तुम ये बताओ तुम उस हर्ष के साथ पिक्चर देखने गई क्यों? क्यों ना जाओ, हर्ष मेरा अच्छा दोस्त है। पर तुम्हारा होने वाला पति मैं हूँ, वो नहीं। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानूंगी। क्या बस यही था तुम्हारा प्यार? मैंने कभी अपनी डैडी की बात नहीं मानी, तुम्हारी बात क्यों मानूं? अरे झगड़ा तो बाद में करते हैं, शादी के बाद। तुम लोग अभी से झगड़ने लगे? अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो एक दूसरे पे भरोसा करना सीखो, ये तो दोनों अपने अपने घर चले जाओ। नहीं नहीं आंटी, मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगी। I'm sorry. I am also very sorry, आंटी. ओ रोज, I love you, baby. अब दुनिया की कोई ताकत हमें एक होने से नहीं रोक सकती। हाँ? Yes, the spirit. जाओ अंदर। भाभी, क्या हुआ? नहीं, इनको क्या हुआ? ओ, इनको? इनको कुछ नहीं, वही तुम्हारी वाली बीमारी। मेरी वाली? कौन सी? ओ, नंबर 5 वाली। शक वाली? करेक्ट। अरे वाह, वन मोर मेंबर टू डॉट फायर क्लब। अरे मोम, क्या हुआ? वो डॉर्सन और रोज को दोनों को कहीं छिपा लो। क्यों? डॉर्सन का डैड छोटा चेतन ही आ रहा है। क्या? डॉर्सन के डैड का नाम छोटा चेतन है? हाँ चाचू, ये उसका अंडरवर्ल्ड वाला नाम है। उसके डैडी अंडरवर्ल्ड से है? यस मॉम, बड़ा चेतन को टपका देने के बाद वो अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया। ये सब तुम्हें कैसे पता? हाँ करेक्ट हर्ष, तुम्हें कैसे? अरे छोड़िए ना भाभी, क्या आप छोटी छोटी बातें सोचिए, सोचिए भाभी, दिमाग पे जोर डालिए। क्या लव स्टोरी है? नहीं नहीं, एक एक अंडरवर्ल्ड डॉन का टॉर्जन, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, बेटी बेटी रोज डॉर्सन, डॉर्सन इधर है। अरे पुलिस से पंगा लेके टिकट ब्लैक करके अपन अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया, और तू यहाँ पुलिस कमिश्नर के लड़के के साथ शादी कर रहा है। डॉर्सन किधर है? कौन चिल्ला रहा है यहाँ? तो अपन को नहीं पहचानता है। चिल्लाने का नहीं, चिल्लाने का होगा ना तो क्रिकेट स्टेडियम में जाके चिल्ला। अब उन्हें छोटा चेतन बोलते हैं। अच्छा झूठ क्यों बोल रहा है? तू छोटा चेतन है तो इतना मोटा चेतन क्यों है? चिल्लाने का नहीं, अरे बोलो ना, चिल्लाने का नहीं। पड़ोस वाला कुत्ता बहुत ही सेंसिटिव है, ऊंची आवाज सुनता है तो भौंकना शुरू कर देता है। देखा टॉमी, इट्स ओके ओके, देखा। मैं तेरे को ना टपका दूंगा। मेरे घर में तू मेरे को टपकाएगा? मेरे को टपकाएगा? चल जा भाग, नहीं तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। जा ए इधर आ, भाग। भैया ये क्या है? मुझे क्यों मार रहे? मैं राहुल हूँ भैया। क्या है आपने ये क्या कर दिया? आप जानते हैं ये कौन है? कौन है? ये डॉर्सन का बाप है, छोटा चेतन, अंडरवर्ल्ड डॉन। अंडरवर्ल्ड को मैंने टपकाया? भैया भैया ए चाचू, चाचू आप तो जापान रिटर्न इंजीनियर है, हमारी टाइटैनिक लव स्टोरी को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं यार। हाँ चाचू। अरे डोंट वरी रोज, मैं तुम्हारे डैडी को पटाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा हूँ। आप जल्दी से तरकीब निकाले ना चाचू, मैं डॉर्सन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अगर मेरी इससे शादी नहीं हुई ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। वेरी गुड, क्या आइडिया, बोलिए बोलिए। ये खुदकुशी करेगी? मेरी बात सुनो,
डॉर्सन 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 मेरी बात सुन, रोज अपने डैडी को फोन करेगी, डैडी अगर आपने मेरी शादी नहीं करवाई डॉर्सन से तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। वाओ दैट्स ग्रेट, मैं अभी फोन करती हूँ। जल्दी लगाओ हेलो एसीपी पीके हियर। डैड मैं रोज बोल रही हूँ। रोज कहाँ हो बेटा तुम? डैड मैं 10 माले की बिल्डिंग के टेरेस से बोल रही हूँ। व्हाट? हाँ डैड अगर आपने अभी इसी वक्त हमारी शादी के लिए परमिशन नहीं दी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। अरे नहीं 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 बेटी ऐसा गजब मत करना प्लीज। देखो अगर तुम टेरेस से कूद पड़ी ना तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट रो पड़ेगा बेटी, ऐसा मत करना प्लीज। तो डैड आप अभी हमें तुरंत हाँ बोल दीजिए ना। अरे हाँ 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 बेटी तू जैसा कहती है वैसा ही करूंगा बस। अरे तू अगर चाहती है ना तो मैं किसी लंगड़े लूले से तेरी शादी करवा दूंगा, लेकिन तू टेरेस से प्लीज मत कूदना। ओके थैंक यू डैड। चाचू डैड मान गए। कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। अरे ये तो अच्छा किया पीके साहब आपने अपनी बेटी की बात मान ली, वरना उसकी शादी करवाने के लिए मुझे कायदे की किताब में एक नया कलम लिखना पड़ता। यू आर राइट केके, लेकिन आई एम सॉरी चैलेंज के मुताबिक मैं अपनी मूछें नहीं मुंडवा सकता। अरे नो प्रॉब्लम पीके साहब, वैसे भी मूछें पुलिस डिपार्टमेंट की शान होती है। केके वो छोटा चिकन आने वाला है ना? अरे आएगा राधु जरूर आएगा, 2 दिन पहले मैंने उसकी धुलाई की है तो उसे आना ही पड़ेगा। अरे नमस्ते नमस्ते कृष्णकांत जी, नमस्ते भाभी जी। आ गया ना राधु? क्यों छोटा चेतन मुजरा मुजरा देख के आया क्या? नहीं 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 बेटे के रिश्ते की बात है ना इसलिए कपड़े पहने। क्या मुझे मेरी बेटी का रिश्ता इसके बेटे के साथ करना पड़ेगा? कोई प्रॉब्लम सर? और क्या, अरे आप सांप का रिश्ता नेवले के साथ करना चाहते हैं? ए कमिश्नर, सांप किसको बोल रहा है, नेवला किसको बोल रहा है? देखो कृष्णकांत जी तो एक लापा मारी है, लेकिन मेरे लड़की की शादी इसके लड़की के साथ नहीं होगी। अरे बात तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत बड़ा महाराजा हो। गुंडा कहीं का? ए गुंडा किसको बोल रहा है तू? ए शट अप, अब भी ऑफिस जाके तेरा अरेस्ट वारंट निकालता हूँ। चिल्लाने का नहीं, पड़ोस वाला कुत्ता याद है ना? इट्स ओके टॉमी, कुछ भी होने दो लेकिन ये रिश्ता नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, एक मिनट यहाँ पटाए हट हट हट, उधर थाना वापस किया हट हट। देखे मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ इसका अरेस्ट वारंट निकालने, एक मिनट तब तक तुम ये ठीके। मुझे लगता है इन दोनों के प्यार की शिप बचाते बचाते हम दोनों डूब जाएंगे। डोंट वरी राधु, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। करो मगर अकेले करो, मैं जा रही हूँ। ओके ओ क्या होगा इस लव स्टोरी का, मैं मैरिज एक्ट की जगह कंज्यूमर एक्ट पढ़ रहा हूँ। के अरे आओ आओ तेन सिंह, आओ तेन सिंह नहीं दारा सिंह, आओ दारा सिंह भी नहीं मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग काम नहीं करता है तब तो तुम नॉर्मल हो। दिन्छु, मेरे दिमाग को लेकर कभी मजाक मत करना। हाँ आजकल मैं बड़ा ही शॉर्ट टेम्पर हो गया हूँ, अगर मेरा टेम्पर ऊपर गया ना तो तुझे भारी पड़ेगा। समझा? टेम्पर डाउन करो। टेम्पर डाउन आ गया। दिनसु बात ये है मैंने एक मैरिज केस लिया है, लड़का और लड़की शादी के लिए राजी है लेकिन दोनों के बाप शादी के खिलाफ है। मैंने बड़ी कोशिश की, खूब ट्राई की लेकिन शादी हो नहीं पा रही है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ और तेरी सलाह लेना चाहता हूँ। वेरी सिंपल, तुम्हारी ये प्रपोज लव स्टोरी है ना, उसका वेरी शॉर्ट में वेरी ब्रीफ में हमको स्टोरी लाइन सुना दे। okay. फिर हम तुमको पूरा लाइन ट्रीटमेंट दे देगा। वेरी गुड दिनसु, तो चल बैठते हैं। चलो बैठे। अरे ऐसे नहीं ऐसे बैठते हैं, बियर पीते पीते सोचते हैं ना। बियर बियर कम ऑन। लगता है पीने से पहले ही लुढ़क जाएगा। डॉर्सन और रोज की टाइटैनिक लव स्टोरी, कमिश्नर पी के बंदूक वाला की बेटी रोज डॉर्सन नाम के लड़के से बहुत प्यार करती है लेकिन कमिश्नर अपनी बेटी पर जुल्म ढा रहा है, उसने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया है। प्यार में पागल रोज कल राजा भाई टावर से कूद कर अपनी जान देने वाली है। नॉनसेंस, ये लड़की तो मेरे करियर पर धब्बा लगाकर ही छोड़ेगी। हेलो पीके बंदूक वाला स्पीकिंग। ए बंदूक, मी होम मिनिस्टर टुकाराम वाटलावे बोलतो। वाटलावे तो दिल्ली में बैठे हैं। हम दिल्ली से ही बात कर रहे हैं। अच्छा यस सर, यस सर। तुमने आज का अखबार पढ़ा?
पढ़ा पढ़ा सर, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा डिसऑर्डर कर दिया है। नो नो सर, आई एम डिसऑर्डरली योर सर, टोटली ऑर्डरली डिसऑर्डरली। तुम कैसा बाप है, बेटी का जान लेने वाला है तुम? अरे सर, मैं बेटी का बाप हूँ, मैं क्यों उसकी जान लूंगा सर? जाओ एक टाइम वो पिक्चर है ना, वो टिटेनस, वो जाके देख ले, तुम्हारा पूरा माइंड चेंज हो जाएगा। टिटेनस नहीं टिटेनस नहीं सर, टाइटेनिक। हमारे लिए टाइटेनिक टिटेनस है, खलास हो गया। नाम का बात छोड़ो, काम का बात करो। यस सर। कल ये दोनों का शादी हो जाना मांगता है, ना हम तुम्हारा परमानेंटली चंबल में ट्रांसफर कर देंगे। नहीं सर, चंबल नहीं सर, नॉट अगेन सर, प्लीज सर। तो जाओ, और वो लॉयर उसका केस लड़ रहा है ना, एक मिनट, क्या नाम है उसका? राधु। ये समझ गया, के कृष्णकांत, उसको जाके मिलो। यस सर। बट सर, that lawyer is a big liar. Whatever it is, but still he's a very good man. Okay? But can I go? Okay, sir. अभी दूसरा फोन लगा। दूसरा। कौन है बे? पहले तुम बताओ कि तुम कौन है। ए, अपन छोटा चेतन बात कर रहा है। तो मैं बड़ा चेतन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? अरे उसको तो अपन कपका टपका दिया है। अरे जोर जोर, हम तो दुबई में बैठा है। पहले हम तुमको टपकाएंगे, फिर हम टपकेगा। ऊंची आवाज में बात नहीं करा, काट डालेगा। तुम्हारे नाम का ऑलरेडी सुपारी हमारे पास आ गया है, 1 करोड़ रुपए का। क्या 1 करोड़ का सुपारी? किसने दिया? कौन देगा, तुम्हारा बेटा ने दिया। देखो देखो, घूम के देखो, तुम्हारी सामने बिल्डिंग के सामने वो टावर है, उसके ऊपर हमारा शूटर बैठा है, अपने हाथ में 6 शूटर लेके। इधर से हम रिमोट कंट्रोल का बटन दबाएगा ने कि वहां से गोली छूटेगा। ए चले चल, फेंक मत फेंक मत, ऐसा देख रहे क्या है? लगता है इसने हत्या देखी है। अरे सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो दे। ऑल राइट, चांस दिया, जाओ। वो लॉयर है ना, के कृष्णकांत, उसको जाके मिलो 3 बजे के अंदर। हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, अभी निकलता है। हाँ जल्दी, हमारा टिटेनस है ना, उसका लव स्टोरी एकदम सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। अरे टिटेनस नहीं, टाइटेनिक। वो भी हो जाएगा, हमारे लिए टाइटेनिक टिटेनस है, खलास। अरे नहीं भाई, टिटेनस नहीं, टाइटेनिक। छोटा चेतन बड़ा चेतन कौन है? तू तो फिर टिटेनस, फिनिश। अभी फोन रख दो, दुबई से बात करता है, बिल बड़ा होता है, कम ऑन रख दो। हाँ टिटेनस। देखो कैसा फंस गया। अभी के तुम देखो, तुम्हारा डॉर्सन और रोज का शादी होता है कि नहीं? दिनसू, ये डॉर्सन और रोज कौन है? वो तुम्हारा टिटेनस फिल्म का हीरो हीरोइन। दिनसू टिटेनस नहीं, टाइटेनिक। देखो याद रखना, जो भी कुछ होगा तुम्हारे लिए टाइटेनिक, हमारे लिए बस टिटेनस। ठीक है ठीक है, ऑलराइट, चलो बैठते हैं। बैठे तो हैं या नहीं? सिटिंग रूम में। कृष्णकांत, कृष्णकांत मेरे भाई, के मुझे बचा लो मेरे भाई। अरे क्या बात है, टीके? पीके नहीं, पीके। के मुझे मेरी बेटी रोज से मिलवा दो। नहीं पीके, अब तुम अपनी बेटी से नहीं मिल सकते। क्यों, क्या वो दोनों टावर से कूद गए? नहीं, कूदने का मेंटल प्रिपरेशन हो रहा है। के मेरे भाई, मैं मेरी बेटी की रोज की डॉर्सन के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, 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 भाई, अब मैं शादी के लिए डॉर्सन को रोकेगा नहीं, लेकिन एक बार मैं उसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? अरे इतनी सी बात के लिए अपने खिलाफ है ना, बड़ा चेतन को सुपारी दिया, पता है? बुलाओ बुलाओ उसे, बुलाओ। बुलाता हूँ बुलाता हूँ। डॉर्सन रोज डैड। बहुत गड़बड़ हो गई डैड। क्या गड़बड़? रोज और डॉर्सन दोनों घर छोड़ के भाग गए। लेकिन उस रोज ने ये चिट्ठी छोड़ गई। अच्छा, तेरे लिए छोड़ गई? नहीं, हम सबके लिए। अच्छा क्या लिखा है? मैं पढ़ा नहीं। पढ़ू? हाँ पढ़ो। हाँ पढ़ो, एक मिनट पढ़ता है। डियर डैड, अब हमें पता चला है कि हम जो कर रहे थे वो जवानी की भूल थी। दरअसल डॉर्सन किसी और से प्यार करता है और मैं हर्ष से। अब हम अपने अपने घर जा रहे हैं, शादी कैंसिल, आपकी रोज। ये शादी नहीं हुई तो बड़ा चेतन मुझे मार डालेगा और मैं उस हर्ष को मार डालूंगा। कौन है हर्ष? कौन है दिनसू? ये हर्ष कौन है? अब हर्ष वो अपना होम मिनिस्टर वाटलावे का बेटा। वाटलावे का बेटा? अरे मेरी बेटी ने तो मेरी वाट लगा दी। चलो इस लव स्टोरी का दी एंड तो हो गया। दैट्स राइट, और हमारा वो टिटेनस फिल्म का एंगल कितना बदल गया। अरे ये लोग चौंके क्यों हर्ष?